ये 50 वर्षीय महिला है, मीनोपॉज इनका लगभग हो चुका है, ठीक है। और इनके नी जॉइंट की जो मीडियल कार्टिलेज है, ये जो कार्टिलेज है मीडियल, ये काफ़ी घिस चुकी है। अभी लेटरल साइड की कार्टिलेज भी 50% हो चुकी है, और मिडिल साइड की 90% और 80% घिस चुकी है। ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो चुकी है, और ये पिछले 2-3 वर्ष से घुटनों के दर्द से परेशान है, ठीक। अब मैं इनको नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ। ये रोज़ 3 किलोमीटर घूमती हैं और घर आके रोने लगती हैं, ठीक है। तो इनकी सोच चेंज करनी है, और सोच चेंज करने में मुझे इनकी ब्रेन वॉशिंग करने में 1 घंटे का टाइम लग गया। अब मैं इनको एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ कि घूमने की जगह, टहलने की जगह क्या करना है। ये महिलाएं 50 ईयर्स एज है, काफ़ी वैसे मेंटेन है। तो अब इनको ये इनके पैर बाहर निकाल दिए मैंने टेबल से। अब घुटने के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। दबाइए, मेरे हाथ को दबाइए, और पूरी ताकत से दबा के रखिएगा। और घुटने की एड़ी को आपको हिप से टच करना है, एड़ी को हिप से टच करना है, और ये बीच के अंदर गैप नहीं आना चाहिए। जोर से मोड़िए, आप पूरे मोड़िए, पूरी ताकत से मोड़िए, और पूरी ताकत से खोलिए। तो ना तो घुटना, ना देखिए, आप गौर करें तो ना तो घुटना इससे ज़्यादा सीधा हो सकता, इससे ज़्यादा घुटना सीधा हो ही नहीं सकता, और घुटना इससे ज़्यादा नहीं मुड़ सकता। पर इनकी बॉडी का पूरा पूरा वेट, टेबल के ऊपर है। तो आपको चलना नहीं है, चलाना है। जब आपके घुटने का पूरा मूवमेंट हो रहा है, उस समय आपके शरीर का 1 ग्राम भी वजन घुटने के ऊपर नहीं होना चाहिए। बीच वाली लाह है, उसके अंदर एक डंडा जोड़ दीजिए। चलाना, चलना नहीं, चलना 0, और चलाना 100%, 1000%, 1 लाख%। चाहे एक दिन में 1 लाख बार चलाओ, 1 करोड़ बार चलाओ, पर उस समय आपके घुटने के ऊपर आपके शरीर का 1 ग्राम भी वजन नहीं होना चाहिए। माइंड इट। और घुटनों के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। दो चीजें क्लियर। अब आप सीधी हो जाइए, तुरंत सीधी हो जाइए, ठीक। और फिर वही चीज, दोनों घुटनों को मोड़िए, बीच में गैप नहीं आना चाहिए, और दोनों घुटनों को मोड़ के गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक कोई गैप नहीं। और घुटनों को मोड़िए, और चिन से लगाने की कोशिश कीजिए। मोड़िए घुटने, चिन तक लाइए, फिर वापस ले जाइए, चिन तक लाइए, फिर वापस ले जाइए। यस। अब घुटनों का फिर पूरा मूवमेंट हो रहा है, और लेकिन 1 ग्राम भी वजन इनका घुटनों के ऊपर नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया। अब वो तीसरी एक्सरसाइज, इस घुटने को मोड़ करके इस वाले सीने तक लगाना है, और इस अपोजिट करना है, क्रॉस। चलिए, बिल्कुल, यस, वेरी गुड। उस राइट घुटने को लेफ्ट शोल्डर की तरफ लाइए, और लेफ्ट शोल्डर को राइट की तरफ, ठीक है, क्रॉस क्रॉस करिए। वेरी गुड। तो ये आप एक्सरसाइज कर रही हैं, और इसके अंदर भी 1 ग्राम भी वजन घुटने के ऊपर नहीं आ रहा है। अब आप उठ के बैठ जाइए, थोड़ा पैर लटका लीजिए, नीचे नीचे निकलते जाइए, नीचे निकलते जाइए, पैर लटकाइए, जल्दी, मेक फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम। पूरा घुटना यहाँ तक ले आइए, उठ के आ जाइए, उठ के तेजी से, वेरी गुड। लटका लीजिए, थोड़ा और लटकाइए, थोड़ा और जाइए, और नीचे जाइए, और नीचे, वेरी गुड। अब घुटने को पूरा मोड़ लीजिए, ये गैप खत्म करिए, गैप मिला के रखिए। अब घुटने सीधे करिए, पूरे सीधे करिए, और जब सीधे कर लें तो पंजा अपनी तरफ खींचें, हाँ, फिर मोड़िए, पूरा। अब आप देखिए गौर से, इनका घुटना पूरा मोड़ रहा है, पूरा सीधा हो रहा है, और घुटने के ऊपर 1 ग्राम भी शरीर का वजन नहीं है। शरीर का वजन टोटल इनका इस टेबल के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। पर घुटने के अंदर गैप नहीं आना चाहिए। जब तक गैप नहीं आएगा, तब तक घुटने चेंज होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि गैप आ गया, तो फिर आपका घुटना चेंज होगा, और घुटना चेंज होने के बाद भी यदि गैप आ रहा है, तो घुटने रिप्लेसमेंट आपका गलत हुआ है, ऑन टेबल वो खराब हो गया है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन को जॉइंट करना नहीं आता है, इनकम्पिटेंट डॉक्टर है। ये बिल्कुल गैप नहीं आना चाहिए पूरी ज़िंदगी, और जब तक गैप नहीं आएगा और मूवमेंट होता रहेगा, आपका रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उठ के बैठ जाइए, जल्दी से, क्विक बैठिए, पैर लटकाइए, जल्दी से बीच में आइएगा, थोड़ा इधर आइए, यस। अब यहाँ दोनों घुटनों की फिर मिलाइए, घुटनों फिर मिलाइए, और इसके लिए हाथ लाइए, ये वाला, इसको ये मेज पकड़िए, इस हाथ को उठाइए, यहाँ पकड़ लीजिए, मेज पकड़ लीजिए कस के, और कलाइयों से घुटनों को दबाइए आपस में। ये कलाइयों से घुटनों को दबा रहे हैं, और घुटनों के बीच के अंदर आपने एक अखबार या मैगजीन ऐसे दबा ली, ये इनके एक्सरे जे, ठीक है। अब ये गिरना नहीं चाहिए, अगर ये गिर गया तो घुटना खत्म, ये गिर। अब घुटने पूरे सीधे करिए, पूरा सीधे करिए, फिर मोड़िए पूरा,
फिर सीधा करिए, फिर मोड़िए, फिर सीधा करिए। अब गौर करिए कि आपके घुटनों के ऊपर एक ग्राम भी वजन नहीं आ रहा है और घुटने का पूरा मूवमेंट हो रहा है। तो ये जॉइंट की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। और ये जो चार मसल्स होते हैं, 1 2 3 4 4, इनको क्वाड्रिसेप्स मसल कहते हैं। इनकी स्ट्रेंथ तब तक मेंटेन रहेगी तब तक घुटना चेंज नहीं होगा। और यदि चेंज हो गया है और इसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी वो घुटना आपका साथ देगा। ये काम और कर सकते हैं, पैर उठाइए इसको ऊपर, यहाँ पर ये वेट कप, घर अगर वेट कप नहीं ले सकते, एक थैली में बालू भर के या एक नमक की थैली रख करके चुन्नी से बांध लें और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करें। करिए करिए करिए, हाथ हाथों हाथ जांघ के नीचे मेज पकड़ के रखिएगा, हाथों से घुटने दबाइए और घुटनों से इसको पूरी ताकत लगाइए, गिरना नहीं चाहिए। यस, अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्या परेशानी है, आप जो 3 किलोमीटर टहलती हैं उसके जितने स्टेप्स हैं वो स्टेप ऐसे करिए। टहलने से घुटना खराब होगा और ऐसा करने से घुटना रिपेयर होगा, जवान होगा, और टहलने से घुटना बुढ़ा। जिनको भी घुटनों की समस्या है उनको बिल्कुल नहीं टहलना चाहिए। और जो डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको टहलना बताते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी काम है। आपका टायर ऑलरेडी डैमेज है, टायर घायल हो गया है, फिर कहते हैं उस पर तेज़ गाड़ी चलाओ। दुनिया का सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की सलाह है, जब घुटने के अंदर समस्या आ जाए तो टहलना 0, चलाना 100% और चलना 0%। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, सरता विहार, नई दिल्ली, मोबाइल 9810122443।